बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम हमें कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन चुनने के बाद में हमें हम पूरे वार्ड या पूरे गांव का सपोर्ट होते हैं, क्योंकि गांव की पूरी प्रॉपर्टी होती है। चुनने के बाद में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता, उसके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे कि आपने शपथ में लिया है कि बिना भय के, बिना वैमनस्य के, जाति, लिंग, आधार, वार्ड, ऐसी सभी चीज़ें को दूर करते हुए पूरे 5 वर्ष की कार्य करना है। वैसे तो राजनीति में कोई भी कार्य हो या कोई पद हो, बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना होता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से और शुभकामना देता हूँ पूरी टीम को कि ये पूरी जो टीम है पूरे 5 वर्ष के लिए ऐसे मील के पत्थर स्थापित करेगी, और हमें भी इनका सहयोग मिलता रहेगा, मैं पूरी आशा करता हूँ। और मेरे विद्यालय से मैं पूरे उनके सामने कह रहा हूँ, जितने दिन मुझे यहाँ रहना है प्राचार्य गण में, हम और मैं, मेरी पूरी टीम यहाँ ईमानदारी से कार्य करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो नई पंचायत चुनी गई है वो भी हमें पूरा सहयोग करेगी। मैं पूरी टीम को हृदय से स्वागत और शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम लोग सच में एक चीज होती है कि हमारे प्रिंसिपल सब तो है, लेकिन गांव से हमें जब भी, आपको पता है कितनी समस्याएं आती है, हम किसके पास जाएंगे? ये समस्या हम लोगों के लिए, गांव के लिए तो सरपंच नहीं था, हम लोगों के लिए भी बहुत सारे काम रुके हुए थे। हम लोग आप लोगों से ज्यादा खुश हैं कि हमें भी सरपंच मिल गया है, तो इसके लिए आप सबको एक्टिविटी हो चाहे कोई भी फील्ड हो, हम गांव से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जहां आपको हम लोगों की जरूरत हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आदरणीय धर्मवीर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप लोगों से पहली बार, क्योंकि ऑफिशियली यहां साइन होने के बाद, ओथ लेने के बाद, अब वो ऑफिशियली सरपंच ग्राम पीली मंजूरिया जोरदार। सबसे पहले प्रिंसिपल सर श्री अशोक कुमार जी के संरक्षण के रूप में हमने जो आज शपथ ली है, जो नवीन पंचायत चुन के आई है, उसमें बहने भी हैं और भाई बहन, उन सबको मैं मंगल मंगल बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद और भरोसा करता हूँ कि पंचायत का सहयोग और गांव के गोदी मान जो काफ़ी वर्षों से अनुभवी रहे हैं, उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। और प्रिंसिपल सर को और कहने वाले बच्चों को मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कहीं उनके खेल के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आपके स्कूल में यदि कोई किसी प्रकार की कमी है, कोई और है जो हम पंचायत के रूप में वो सुविधा दे सकते हैं, तो उसमें आपको भरोसा दिलाता हूँ हमारी पंचायत कोई कमी नहीं रहने देगी। और मैं गांव के मौजूद लोगों के सामने बोलता हूँ कि एक समस्या जो सुबेर भाई ने उठाई थी, हमें उस पर भी काम करना है। तो उसमें
वो समस्या सब समझ रहे हो जो नशे की इलीगल नशे की, तो हमें पूरे गांव से उस विषय पे उस नशे को खत्म करने पर पूरे गांव का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपेक्षा करता हूँ। और जो हमारी पंचायत जो भी कर सकती है बिल्कुल करेगी, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे गलियों का काम हो, नाली का काम हो, खेतों के रास्ते का काम हो, हर खेत के ढाणी में पानी पहुंचाने का काम हो या बिजली का काम हो, मैं आपको विश्वास होकर भरोसा दिलाऊंगा मेरी पंचायत हम सब मैं नहीं हम सब मिलकर उसमें खड़े उतरेंगे। आपको भरोसा रखिए, थोड़ा समय चाहिए हैं, हमें चार्ज वगैरह लेना है और लेना है, देखते हैं क्या बनेंगे। पंचायत के पास जमा पूंजी है और है, और यदि कहीं कमी है और है, तो हम सरकार से अपना प्रयास करेंगे गांव के विकास के लिए ग्रांट लाने की, हर सुख सुविधा प्राप्त करने की। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, यही है। जब आओगे तो स्कूल में फूल है वो उसी तरह महकते मिलेंगे। आपने शुरुआत अच्छी की है, शुरुआत अच्छी की है। देखिए सबसे पहले बेटियों को आशीर्वाद, वो अकस्मात ही हो गया, कोई प्री प्लांट नहीं था, बच्चे जीत के आए। और देखिए बेटियों को आशीर्वाद के रूप में शुरुआत हो गई पंचायत की, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, इतने प्यार प्रेम से आप जुटे और हमारे विद्यालय को यह अवसर मिला आपकी मेजबानी का, हम सरकार के आप सब लोगों के इस प्यार में इनके सदा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक पौधा लगवाएंगे आपसे और उसके बाद में हमारे लिए कोई आदेश है सरकार बनाए। फोटो आएगा कि नहीं हमारा आएगा जी।